हमेशा ही किसानों के नाल धक्का कर दिया है। मोदी एक गूंगी बहरी सरकार ने हमेशा ही किसानों के नाल हर वर्ग के नाल इन्होंने धक्का किया। जिहड़ी बीजेपी ने जिहड़ी मीडिया है जिहड़ा वो ऊपर सेंटर सरकार तो मीडिया चल रहा है वो सारे तो बीजेपी का चल रहा है वो गोदी मीडिया बहुत ही शर्म की गल और निंदन योग है। एक महिला होने के नाते महिला होके भी एक महिला कहना कि भी ये पेड लोग तरीके चल बहुत शेम आई फील सो शेम फॉर दिस कि यहोजे भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग कायम ने उन्होंने एक कंध टुटी सी उन्होंने कि बवाल मचाया से और अच्छ सा खेती की गल सा अपनी जमीन की गल हरे हकों की गल असी अपनी हकों की लड़ाई जरूर लड़ा कहता वेख सकते हो कि किस सरदार के ठाठा मारता हो यूथ जोड़ा कट्ठा होया साबित करता है कि भी असं कि चिंतित हाँ असं अपने स्टेट की और अज जो असं खट्टर साहब के घर का जोड़ा असी उन्होंने घर तो बहर उन्होंने अं उन्होंने घर धरना ला जा रहे हैं मैनू नहीं लगता है कि जी ये सरकार ने इन्हों सिर पर कोई जू रड़कन वाली है। प्राइम मुद्दे देखते सर दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं इंद्रपाल सिंह धुन्ना मोदी सरकार वालों पास किए गए खेती कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन जो जारी है किसानों वालों दिल्ली कुछ किया गया जो हरियाणा सरकार वालों साडे किसानों नाल किया गया जो दिल्ली सरकार साडे नाल कर रही है उसनों लैके सियासत भी पूरी तरह जोरों पर है। सो यूथ कांग्रेस वालों अज एक प्रोग्राम लिखा गया पंजाब यूथ कांग्रेस वालों जिहड़ा खट्टर सरकार वालों किसानों तशद्दुद किया गया सी उहनूं लैके मुख्यमंत्री जिहड़े मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ वाली रहायश जिहड़ी सरकारी रहायश है उहनूं घेरन दा प्रोग्राम लिखा गया। साडे नाल आल इंडिया यूथ कांग्रेस के सैकटरी ने मैडम हरसिमरन कौर बाजवा नाल गलबात करांगे उहनां सारे मामले की कहना सत मैम अज थोड़ा प्रोग्राम लिखा गया वा बिना शक खट्टर सरकार ने साडे किसानों का तशद्दुद किया कि तुसीं अज कोठी घेरन जा रहे हो वाटर कैनन दी उही तस्वीरां मतलब नज़र आ रही जो दिल्ली रोड ते होया जी। ये हमेशा ही किसानों के नाल धक्का करते आए इन्हें मोदी एक गूंगी बहरी सरकार ने हमेशा ही किसानों के नाल हर वर्ग के नाल इन्होंने धक्का किया। अज यूथ कांग्रेस जिहड़ी कि साडी एक पूरी स्ट्रेंथ जिहड़ा कि जिदा कि तुसीं कैमरा घुमाओ तो तुसीं कहदा वेख सकते हो कि किस सरदार के नाल ठाठा मारदा होया यूथ जिहड़ा इकट्ठा होया साबित करता है कि भी असीं कितना चिंतित हाँ असीं अपने स्टेट लई और अज जिहड़ा असीं खट्टर साहब के घर का जिहड़ा असीं उन्हां दे घर तो बाहर उन्हां नूं असीं उन्हां दे घर धरना लाउण जा रहे हैं मैनू नहीं लगता है कि ये जिहड़ी ये सरकार ने इन्हां दे सिर ते कोई जू रड़कन वाली है और जे इस तरीके नूं ये होर लाइटली लैंदे ते असीं दिल्ली नूं भी गूंजांगे। यूथ कांग्रेस वाले अज दा जिहड़ा प्रोटेस्ट है वो सरदार बरिंदर सिंह ढिल्लों जी जो कि पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान ने उन्हां दी अगवाई हेठ ये जिहड़ा प्रोटेस्ट है असीं बिना पार्टीबाजी तो उठ के असीं सिर्फ एक नाम दे नाल इहनूं लै के भी एक यूथ इकट्ठा हो के असीं सारे उन्हां दे घर दा सवाल सीगा जिवें जो साडा शंभू बॉर्डर जो हालात होए साडे जां जो दिल्ली रोड तो साडा हरियाणा सरकार ने किया इत्थे वाटर कैनन उस तरह ने उस तरह बैरीकेडिंग की गई है उस तरह पुलिस फोर्स तैनात है कि मैं लगता भी इतने भी उ माहौल जरा सिरजा गया से उस रोड से इतने भी होएगा वो जी। ये तानाशाही सरकार है इस सरकार ने अज तक मैं जिदा पहलू भी तुम्हें वर्णन कर चुकी हूँ इन्होंने हर वर्ग को दुखी किया और अज किसानी मैं किसान की धी होने के नाते मैं अज के प्रोटेस्ट से बकायदा इतने पहुंची हूँ और अपनी समुची टीम के नाल पहुंची हूँ और मैं सिर्फ तो सिर्फ यूथ कांग्रेस का हिस्सा होने नाते नहीं पहुंची एक आम कार्यकर्ता के हाण हिस्से के होने करके मैं इतने पहुंची हूँ और जे सानू बैरीगेड टप्पणे भी पैण और जे सानू बहना भी पवे असी अज अपनी मंगा पूरियां करवा के फिर ही उठो कितना कि इस जी मूवमेंट आ जी लहर उठी है किसानों के हक में इनू खालिस्तान जोड़िया जा रहा वा खास तौर जो सा नैशनल मीडिया वो खालिस्तान जोड़ रहा वा हालांकि मुख्यमंत्री खट्टर ने भी इसको खालिस्तान जोड़न की जी कोशिश की सारे किमें देखते हो सर जिमें कि भी हूँ भी तुम मीडिया वाले हो तुम अपने सज्जन भरा हो हूँ जे असी सारे मीडिया वाले एक बराबर तुक दे देंगे तो कोई वह कोई वाले जिहड़ी बीजेपी ने जिहड़ी मीडिया है जिहड़ा वो ऊपर सेंटर सरकार तो मीडिया चल रहा है वो सारे तो बीजेपी का चल रहा है वो गोदी मीडिया और जे ऑलरेडी जे उन्होंने कोई ना कोई तो अपना मुद्दा चुक के भटकाना है जे वो नहीं भटकाउणगे तो फिर किधर नूं जाणगे उन्होंने कोई ना कोई ये जो एविडेंस ने किसी ना किसी तरह होर किसी तरीके लै जाएंगे। जो गगन अनमोल मान है आम आदमी पार्टी के आगू ने उन्होंने वालों एम एस पी की गल की गई सारिया फसलों एम एस पी देवे पर जी कल खबर ये नशर हो रही ने भी जो फार्मर प्रोड्यूस जो बिल कानून हैगा तिना कानूनों में एक वो कानून दिल्ली सरकार ने अपने उत्तर स्टेट में नोटिफिकेशन जारी करता लागू करने का उन्होंने तुम किमें देखते हो सर जो एम एस पी का जोड़ा है जो आप इस चीज़ में चाहते हैं कि भी वो
किसाना जिदा किसान खुश आ जिस तरीके किसानी चाहता है वह उस तरीके होना चाहिए। ये थोपण वाला कोई काम नहीं होना चाहिए कि किसी चीज़ को थोपया जाए। असं यही चीज़ चाहते हैं कि भी जिस तरीके अपना किसानी अपनी किसानी करना चाहता है उस तरीके जंगा ने वह पूरी की उन्होंने हक च की जा सो दैट कि आने वाला जो जनरेशन है वह चंगी तरीके अगे बढ़ सके। राजनीति पूरी तरह हो रही है, मैं स्टार्टिंग भी इतों की राजनीति जोर से है। सबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। जो किसानी मंगा पूरी नहीं हो रही, कहते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जिम्मेवार ने वास्ते। जी देखो जिते रही कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की गल, जे यहोजी कोई गल होंगी वह भी एक किसान के पुत ने। मैनू यहोजा सानू अज तक तो कभी, क्योंकि जे तुम ये मनो कि भी मैं तो कह कि भी मैं एक कांग्रेसी हाँ, पर साडे मुख्यमंत्री साहब जी ने अपना जिहड़ा बिल सीगा वह भी तो उन्होंने रद्द किया। जे वो उन्होंने मतलब कि जे ये पोलिटिकल मुद्दा हो फिर मूह ही कुछ होर तरीके हो। बाकी आम किसान क्यों उत्ते जाके बैरी उत्ते जाके शंभू बैरीअर से बहन उत्ते रातां कट्टण बीबिया तक गई हुई ने कितनी वड्डी गल है। एक एक परिवार के जो पांच पांच जी ने तो पंजा पंजा जीआं दे विचों चार चार जी एक एक परिवार तो शंभू बैरीअर से बैठा होया। महिला को थोड़ा सवाल करना बनता, कंगना रनौत ने साडे एक्ट्रेस ने बॉलीवुड के उन्होंने वालों साडियां मावां भैणां नूं लैके कुछ अजिहे टिप्पणी की गई जो कि शर्मनाक है, उन्हें तुसीं किवें देखदे हो? जी देखो कंगना रनौत जी जिद्दां उन्होंने गल की है, मैं तो बकायदा नाम लैके इन्हों का गल कर रही हूँ, बहुत ही शर्म की गल है और निंदन योग है। एक महिला होने के नाते महिला होके भी एक महिला नूं कहना कि भी ये पेड लोकां तरीके दे नाल चलो, बहुत शेम, आई फील सो शेम फॉर दिस कि यहोजे भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग कायम ने। उन्हां दा एक कंध टुटी सी तो उन्होंने किदा बवाल मचाया से, और अज साडी खेती की गल, साडी अपनी जमीन की गल, हमारे हकों की गल, असं अपनी हकों की लड़ाई जरूर लड़ा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सिमरन कौर बाजवे सीधे तौर पर कहना जी मोदी सरकार है वह पंजाब के नाल धक्का कर रही है, पंजाब के किसानों नाल धक्का कर रही है। सो जितों तक खालिस्तान की जुड़न की गल है तो उन्होंने खास तौर पर कहना भी जो मीडिया का मैनुपलेट किया गया है सारा एजेंडा है, मीडिया इस चीज़ को इस तरह मैनुपलेट कर रहा है जो कि जो साडे पंजाब के किसान ने पंजाबी ने अपने हकों के लिए इतने लड़ाई लड़ रहे हैं। सो जितों तक कंगना रनौत के बयान की गल है, जितों बयान कह सकते हैं भी शर्मनाक जो बयान कंगना रनौत ने दिता, सो बहुत सोहनी गल की वे कि कंध ढहन से कंगना रनौत ने इन्ना हौ हल्ला किया साडिया जमीन खूही जा रही, जमीन जो खूही जाए किसान दिन जट ने किसी भी तो अपना रौला तो पाँगा, सो अभी रौला इस तरह पाँद रहेंगे। ये साडे हक की लड़ाई है, साडी किसानी लड़ाई है, इसमें खालिस्तान ना जोड़ा जाए, इसमें किसी वक्खवाद ना जोड़ा जाए। मैं इंद्रपाल सिंह ढुन्ना कैमरामैन हैरी नाल वेखदे रहो प्राइमो दे, सत श्री अकाल।